Hello, students. How are you all? Hope you all are good, studying well. So, welcome to another session. Today's topic is intermediate disturbance hypothesis. It is an important concept, many a times questions have been asked from this topic. This concept was proposed by Joseph Connell in 1978. So, for the first time, जोसेफ कॉनेल इन 1978 सेवेंटी प्रपोज दिस हाइपोथेसिस। नाउ व्हाट इज दिस हाइपोथेसिस? यू हैव रेड सक्सेशन सक्सेशन में क्या होता है एक्स्ट्रीम कंडीशन से धीरे 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 मॉडरेट कंडीशंस बनती जाती हैं और एक कम्युनिटी दूसरी को रिप्लेस करती है फिर तीसरी आती है उस दूसरी को करती है और चौथी आती है तो इस तरीके से फाइनली एक मेच्योर स्टेज या क्लाइमेक्स स्टेज पहुंच जाती है इस थ्योरी के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज डाइवर्सिटी किस स्टेज में मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होगी कहीं ना कहीं मिड स्टेज पे जब लेवल ऑफ डिस्टरबेंस बीच में होगा ये देखिए लो लेवल है डिस्टरबेंस का और ये है हाई अब आप इमेजिन करिए सपोज डिस्टरबेंस क्या हो सकते हैं नेचर में डिस्टरबेंस हो सकते हैं फॉरेस्ट फायर डिस्टरबेंस हो सकते हैं साइक्लोन्स फ्लड या डिफॉरेस्टेशन मैन मेड डिफॉरेस्टेशन तो इस तरीके के जब डिस्टर्बेंस होते हैं तो फिर नए प्लांट्स आके वहाँ उगना शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे और सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है तो इस थ्योरी के हिसाब से स्पीशीज डाइवर्सिटी कब होगी मैक्सिमम जब लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस लो भी नहीं होगा हाई भी नहीं होगा कहीं ना कहीं बीच में अगर लो लेवल है डिस्टरबेंस का लो लेवल कौन सी स्टेज में आता है लो लेवल आता है मेच्योर स्टेज़ में वहाँ पर डिस्टर्बेंस का असर नहीं होता है क्योंकि जितने स्पीशीज़ हैं वो सारे रेजिस्टेंट स्पीशीज़ होते हैं मैंने आपको जब ट्रेंड्स इन सक्सेशन का वीडियो बताया मैं बताया था कि जो शुरुआत के स्पीशीज़ हैं वो री साइलेंट स्पीशीज़ हैं दे हैव एबिलिटी टू गो ग्रो बैक लेकिन वो रेजिस्टेंट कम होते हैं कोई भी आके उनको हटा देता है पर फिर वो आ जाते हैं वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। मर जाते हैं। निकल जा वहाँ से वो रिप्लेस कर दिया जाता है लेकिन फिर वो आ जाएंगे लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर स्टेज में जाएंगे वहाँ पर क्या होता है वो रेजिस्टेंट स्पीशीज़ होते हैं बड़े बड़े वो फुल फोर्स से रेजिस्ट करते हैं कोई भी डिस्टर्बेंस जब उनको उनके सामने आता है तो वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं रेजिस्ट करने की पूरी ताकत से रेजिस्ट करते हैं अगर सफल होते हैं तो ठीक है खड़े हुए नहीं सफल हुए तो वो हट जाते हैं पर वो फिर से नहीं उग पाते यानी दे आर लेस री साइलेंट शुरुआत के स्पीशीज दे आर मोर री साइलेंट तो होता क्या है जब लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस कम होगा यानी मेच्योर स्टेजेस की जब बात करते हैं और जब लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा तो हम इनिशियल स्टेजेस की बात करते हैं हम शुरुआत यहाँ से करते हैं ठीक है नाउ इमेजिन एन इकोसिस्टम जहाँ पर फॉरेस्ट uh, फायर हुई या फ्लड हुआ ठीक है तो क्या हुआ वहाँ पर जितनी वेजिटेशन थी सब खत्म हो गई अब क्या है स्पीशीज डाइवर्सिटी बिल्कुल कम है लो है धीरे धीरे जैसे जैसे uh, uh, समय बीतेगा और स्पीशीज uh, डाइवर्सिटी में धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा क्योंकि सारे निशेज भरना शुरू करेंगे फिर एक टाइम आएगा सब निशेज भर जाएंगे अब और स्पीशीज कहाँ आएंगे तो कुछ को अब रिप्लेस किया जाएगा किन से जो बेटर कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो स्पीशीज आएंगे और इन जो लेस एडेप्टेड स्पीशीज हैं इनको हटा देंगे यानी आप इमेजिन करिए अगर ये एक इकोसिस्टम एक है ये निशिज अभी भरना शुरू किए हैं। इतने स्पीशीज यहाँ पर ये शुरुआत में है अभी बहुत सारा खाली है तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है ठीक है फिर थोड़े समय के बाद क्या होगा ये अब इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंच गया डिस्टरबेंस क्या था वहां पे? शुरुआत में ज्यादा था तो बहुत कम स्पीशीज थे धीरे धीरे क्या हुआ जैसे जैसे डिस्टरबेंस कम हो गया तो स्पीशीज बढ़ते चले अब सारे निशेज फुल हो गए जब सारे निशेज फुल हो गए अब कोई और आएगा तो इनमें से यहां तो जगह है नहीं आपको ये अच्छे से पता है कि नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई सेम निश कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल है तो क्या होगा इनमें से किसी एक को हटना पड़ेगा अगर कोई बेटर कॉम्पिटिटर आता है अब देखिए स्पीशीज डायवर्सिटी अगर ये इस वक्त हंड्रेड है तो क्या होगा जो बेटर कॉम्पिटिटर है ये हंड्रेड अगर स्पीशीज डायवर्सिटी है और जब बेटर कॉम्पिटिटर आ गया तो इनको हटाना शुरू किया उसने इनको हटाना शुरू किया नेचुरली उसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी तो वो स्पीशीज क्या करेगा इनकी जगह आना शुरू किया अब देखिए कितने स्पीशीज़ चले जा रहे हैं तो अब धीरे धीरे क्या होगा फिर कुछ और एक और अच्छा एक और कॉम्पिटिटर आ गया तो उसने भी कुछ स्पीशीज़ को रिप्लेस करना शुरू किया तो अब कितने स्पीशीज़ हटते चले जाएंगे तो ये डाइवर्सिटी अब हंड्रेड से डिक्रीज़ करते करते मे बी ये एक पॉइंट पे एट्टी आ जाए तो हो सकता है ये एट्टी आ जाए हो सकता है उसके बाद ये कॉम्पिटिटर्स वहीं पे एस्टैब्लिश हो जाएं और इनके ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हों तो धीरे धीरे डोमिनेंट हो जाएंगे डोमिनेंट हो जाएंगे तो और कुछ स्पीशीज़ हटेंगे तो फिर हो सकता है स्पीशीज़ केवल सेवेंटी रह जाएँ वहाँ पे तो कहने का मतलब है मैक्सिमम डाइवर्सिटी जब आती है उसके बाद क्या होता है एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू करते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ये इस थ्योरी का कंसेप्ट है तो इसमें तीन एस्पेक्ट हैं पहला टाइम सिंस पहला है लेवल ऑफ डिस्टरबेंस लेवल कितना है लेवल मतलब लेवल के किस एक्सटेंट तक का वो डिस्टरबेंस है कितना मैसिव है वो अगर वो ज़्यादा मैसिव है तो नेचुरली उतनी ही फोर्स से डिस्टरबेंस होगा और उतनी ही स्पीशीज कम होंगे वहाँ पे शुरुआत ठीक है तो एक तो हो गया उसका एक्सटेंट एक्सटेंट कितना है कितना हाउ उसका किस एक्सटेंट का है वो डिस्टर्बेंस दूसरा है टाइम अगर आप किसी इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो आप देखिए डिस्टर्ब कर होने के कितने समय के बाद सपोज अगर आप आफ्टर सिक्स मंथ्स उसको स्टडी करते हैं तो आप आफ्टर सिक्स मंथ्स पाएंगे सून आफ्टर डिस्टरबेंस उसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है फिर धीरे धीरे विद टाइम विद टाइम क्या होगा स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज करनी शुरू करेगी और फिर क्या होगा और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा फिर अगेन सेम सिनेरियो के ये डोमिनेंट स्पीशीज आ जाएंगे विद टाइम और फिर वहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होनी शुरू हो जाएगी तो कहने का मतलब ये है कि टाइम एक मैंने आपको बताया था लेवल दूसरा है टाइम टाइम सिंस डिस्टर्बेंस शुरुआत में अगर आप सिक्स मंथ्स फिर वन ईयर फिर टू ईयर और अगर आप फिर जाके सिक्स इयर्स टेन इयर्स ट्वेंटी इयर्स बाद देखेंगे तो डाइवर्सिटी आपको कम मिलेगी तो एक हम देखते हैं लेवल ऑफ डिस्टरबेंस एक हम देखते हैं टाइम ऑफ डिस्टरबेंस ये आपका एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं और स्पीशीज़ डाइवर्सिटी आपकी या बायोडाइवर्सिटी आपकी वाई एक्सिस पर है तो शुरुआत में लो है ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे हाई होती जाएगी और आप देखिए हाईएस्ट पॉइंट जो आपको मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है समवेयर इंटरमीडिएट जहाँ पर है इंटरमीडिएट टाइम है इंटरमीडिएट लेवल है तो एक हो गया लेवल किस लेवल का डिस्टरबेंस था किस एक्सटेंट से था ग्रेटर था लेसर था एक है टाइम और एक है हाउ फ्रीक्वेंट frequent, कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहा था अगर बार बार हो रहा है वो तो बार बार हो रहा है फ्रीक्वेंसी भी एक्स एक्सेक्सेस पे अगर आप प्लॉट करेंगे तो अगेन यू विल फाइंड दिस सेम ग्राफ ये आपको इन्वर्टेड बेल शेप ग्राफ मिलता है दोनों एंड पे मिनिमम डाइवर्सिटी है सेंटर पे मैक्सिमम है या दोनों एंड पर आपकी लो डाइवर्सिटी है ऊपर हाई डाइवर्सिटी है तो इसमें से क्वेश्चन आपको ग्राफ बेस्ड भी पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आपको सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म्स में भी पूछे जाएंगे केवल यही कंसेप्ट है इस थ्योरी का ये हाइपोथेसिस ये बताती है कि जितना ज़्यादा कोई एजेड इकोसिस्टम है वहाँ पे आपको डोमिनेंट स्पीशीज मिलेंगे जैसे जैसे सक्सेशन की स्टेजेस बढ़ती चली जाती हैं मेच्योर स्टेजेस में डोमिनेंट बेटर कॉम्पिटिटर्स में लेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल आ जाता है वहाँ पर और स्पीशीज डाइवर्सिटी हो जाती है कम क्योंकि वो बहुत उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं और जितने छोटे प्लांट्स हैं उनको शेड की वजह से या रिसोर्स की कमी से वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो इसलिए ऑलवेज यू विल फाइंड डाइवर्सटी मैक्सिमम एट इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस सो नाउ लेट सॉल्व वन टू टू क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आप देखिए कह रहे हैं करेक्ट रिगार्डिंग इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथिस पहली स्टेटमेंट है एट फ्रीक्वेंट एंड लो इंटेंसिटी डिस्टर्बेंस यानी ज्यादा भी हो रही है फ्रीक्वेंटली हो रही है डिस्टर्बेंस लेकिन लो इंटेंसिटी की है उसकी इंटेंसिटी कम है बहुत जोर से नहीं हो रही और एट इनफ्रीक्वेंट एंड हाई इंटेंसिटी मतलब बहुत कम कम हो रही है फ्रीक्वेंसी उसकी कम है लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा है द स्पीशीज डाइवर्सिटी गेट्स रिड्यूस। पहली स्टेटमेंट ये है दूसरी स्टेटमेंट एट फ्रीक्वेंट एंड हाई इंटेंसिटी मतलब इसमें आप देखिए एक तो फ्रीक्वेंटली हो रहा है ऊपर से हाई इंटेंसिटी का डिस्टरबेंस है एंड एट इनफ्रीक्वेंट एंड लो इंटेंसिटी इनफ्रीक्वेंट हो रहा है और लो इंटेंसिटी है तो ये दोनों एक से हैं ये दोनों एक से हैं इन फ्रीक्वेंट एंड हाई इंटेंसिटी जल्दी जल्दी हो रहा और तेजी से हो रहा है डिस्टरबेंस और ये इनफ्रीक्वेंट और लो इंटेंसिटी डिस्टरबेंस द स्पीशीज डाइवर्सिटी गेट्स रिड्यूस्ड तीसरा कहता है एट इनफ्रीकेंट एंड हाई इंटेंसिटी डाइवर्सिटी यानी इनफ्रीकुंट बहुत ऑफन नहीं हो रहा है लेकिन हाई इंटेंसिटी और इसी में आगे है ऐट फ्रीकेंट एंड लो इंटेंसिटी फ्रीकुंटली बार बार हो रहा है लेकिन लो इंटेंसिटी इट रिड्यूज स्पीशीज डाइवर्सिटी और चौथा है फ्रीकेंट और हाई इंटेंसिटी डिस्टर्बेंस फ्रीकवेंटली भी हो रहा है और हाई इंटेंसिटी भी है और यहां पर इनफ्रीक्वेंटली हो रहा है और लोड देखिए इनफ्रीक्वेंटली हो रहा है और लो इंटेंसिटी डिस्टर्बेंस है द स्पीशीज डाइवर्सिटी गेट्स मैक्सिमाइज्ड तो ये तो मैक्सिमाइज़ तो हो ही नहीं सकती आपको पता है मैक्सिमाइज़ तो इंटरमीडिएट लेवल पर है तो ये तो आपका गलत है फ्रीक्वेंट और हाई इंट तो अब आप देखिए आपकी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है बी क्योंकि फ्रीक्वेंटली भी हो रहा है और हाई इंटेंसिटी डिस्टरबेंस है जल्दी जल्दी और तेजी से दोनों से एक तरीके से एडेड इफेक्ट दिखा रहे हैं अपना ठीक है और यहाँ पर क्या है इनफ्रीक्वेंट और लो इंटेंसिटी कम कम हो रहा है और बहुत फ्रीक्वेंटली uh, भी नहीं हो रहा है और बहुत इंटेंसिटी से भी नहीं हो रहा है तो स्पीशीज डाइवर्स कम रहेगी ये क्या है फ्रीक्वेंटली हो रहा है लेकिन लो इंटेंसिटी का है तो यहाँ पे इंटेंसिटी अपना असर नहीं दिखा पा रही है फ्रीक्वेंटली तो हो दिखा रहा है फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस अपना असर दिखाएगा लेकिन अगर आप इसका एडिट इफेक्ट देखते हैं दोनों का तो आपका यहां पर ये यह जो सेकेंड स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट एट फ्रीक्वेंट एंड हाई इंटेंसिटी डिस्टर्बेंस एंड एट इनफ्रीक्वेंट एंड लो इंटेंसिटी डिस्टर्बेंस द स्पीशीज डाइवर्सिटी गेट्स रिड्यूस्ड तो इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान से आप इनको चॉइसिस को पढ़िए लुक एट दिस इज अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन लुक एट द ग्राफ केयरफुली

ये कॉम्पिटिटिव डोमिनेंस यानी हम मैच्योर स्टेजेस की बात कर रहे हैं सक्सेशन में वो बेटर कॉम्पिटिटर्स हैं वो सबको हटा देते हैं कब जब लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस लो होता है यानी सक्सेशन स्टार्ट हुए बहुत टाइम हो गया अब वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बी है मिक्सचर ऑफ स्पीशीज को एग्जिस्ट दोनों तरीके के स्पीशीज को एग्जिस्ट करते हैं जो अर्ली स्टेजेस के भी हैं और बाद वाले भी हैं जो थोड़े रेजिस्टेंट भी हैं रिसाइलेंट भी हैं और सी डिनोट करता है द लीस्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज सर्वाइव जैसे जैसे डिस्टरबेंस का लेवल ज़्यादा होगा लीस्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज सर्वाइव ये पहला ऑप्शन कहता है विच इज़ ट्रू शुरुआत के स्पीशीज बिल्कुल लीस्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज होते हैं जैसे ही थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है सबके सब हट जाते हैं दे आर मोर रिसाइलेंट वो फिर आ जाएंगे बट दे आर लीस्ट रेजिस्टेंट तो

हाई स में ऐसा कभी भी नहीं होता तो ये रॉन्ग है फिर ए सी ऑप्शन कहता है कॉम्पिटिटिव डोमिनेंट्स एक्सक्लूड अदर स्पीशीज ये तो सही लिखा है बट बी ऑप्शन कहता है द लीस्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज सर्वाइव यहां पर लीस्ट रेजिस्टेंट कैसे सर्वाइव करेंगे नहीं लीस्ट रेजिस्टेंट सी पर सर्वाइव करते जब डिस्टर्बेंस ज्यादा हो मिक्सचर ऑफ स्पीशीज को एग्जिस्ट तो इस तरीके से आप देखिए बाकी दो ऑप्शन भी गलत हैं तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए वेयर ए डिनोट्स कॉम्पिटिटिव डोमेंट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन रूल आ गया यहाँ पर और सी में क्या है लीस्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज है शुरुआत के और बी में मिक्सचर ऑफ बोथ लीस रेजिस्टेंट भी हैं और डोमिनेट स्पीशीज भी हैं So this was all about today's session in the next session we'll take some more questions of the same topic till then stay safe and healthy thank you